अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रज़ा खान और आप देख रहे हैं एएच बर्ड्स इंफॉर्मेटिव। इस वक्त हम मौजूद हैं शमीम सर के सेटअप पे। माशाल्लाह से इनके सेटअप पे जो है काफ़ी बर्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें लबर्ड्स हो गए, जावा हो गए और लबर्ड्स की तो काफ़ी सारी वैरायटी इन्होंने लगाई हुई है, अल्बाइनोज खास तौर पर। तो अब आइए देखते हैं, पूछते हैं कब से बर्ड्स का शौक़ कर रहे हैं और जो है बर्ड्स में इन्होंने क्या कुछ लगाया हुआ है अपने शेड पर, फिर ब्रीड के हवाले से, सेल के हवाले से जो भी बात वगैरह होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। सर ये बताइए कि आपका बर्ड्स का शौक कब से कर रहे हैं, बर्ड्स की फील्ड में कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गया है हमें, और 8 साल में ये रहा है कि पहले शुरू में जो है तो समझो कि 3 साल तक तो काफ़ी मेहनत करते रहे, इसलिए कि उस वक्त तो बर्ड्स मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट भी कम थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 3 साल के बाद काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ गया, खुद ही बढ़ गया, ब्रीडिंग वगैरह बहुत अच्छी होती रही। तो अब उस टाइम के बाद से समझो कि 3 साल से हम इसको मतलब कि सेल में भी सेल भी कर रहे हैं, पट्टे सेल करते हैं, ब्रीडर जो थोड़ा बहुत देखते हैं कि हमारे हिसाब से बेहतर नहीं रहता है तो फिर ये करते हैं, ये ज़्यादा होता है तो फिर कर देता हूँ। तो ये पोजीशन रही हमारी जो अभी तक। लेकिन बस अब इस साल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ी आ गई है, माल अभी भी मेरे पास सेल के लिए काफ़ी मौजूद है, लेकिन अब उसका अंडे ये है कि रेट इतने गिर गए और जो यहाँ के हालात रहे, जो लोगों ने किया, जो भी बिज़नेस जिस तरह से भी करना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल बिज़नेस में कुछ गलतियाँ आपने ही लोगों ने की है, हम ही लोगों ने की है, जिसके लिए भुगत भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए जावा में क्या कुछ लगाया? जावा में मेरे पास फ़िलहाल तो 3 ही है, एक तो वाइट है और दूसरा सिल्वर है और तीसरा ग्रे है। तो ये पिछले साल हमने जावा लिया था और अल्लाह का शुक्र है कि ब्रीडिंग काफ़ी हुई और अभी भी समझिए कि तकरीबन 110 पीस वगैरह मेरे पास है। तो अच्छा फिर बर्ड दिखाना आप शुरू करें। हाँ बर्ड से आइए और देखिए, ये मास्टर केज हमारा है कंप्लीट, तो मास्टर केज ये बनाया हुआ है, ये समझिए कि 12x30 का केज है हमारा। इसके अंदर भी पिंजरे मैंने लगाए हुए हैं, केज लगाए हुए हैं और सारे मेरे पास इस वक्त अल्बिनो रेड आइज और अल्बिनो ब्लैक आइज और इसी के पेयरिंग दोनों तरह की है, ब्लैक ब्लैक में भी है और रेड आइज और ब्लैक के भी है और रेड आइज का भी है। तो ज़्यादातर मैंने वर्क कर रहा हूँ मैं वाइट पे, और बाकी उसके बाद लोटिनो पसनाटा रेड आइज भी है, ब्लैक आइज भी है, और उसके लोटिनो किसी ज़माने में मेरे पास बहुत होता था तो वो सब मैंने बेच दिया। लोटिनो मेरे पास कम से कम 60-70 पेयर थे, तो पूरा कॉलोनी में बड़े बड़े, पहले तो मैं कॉलोनी में सब रखता था, उसके बाद मैंने ये किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो रिस्पॉन्स हर चीज़ का अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस जो अपनी गलती है उसी की वजह कर रहे हैं, हम लोग की परेशानियां हैं इस बार। जी सर, यहाँ हमें कुछ जावा नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में बताएं, कॉलोनी में आपने कितने जावा छोड़े हुए हैं, ब्रीड कैसी आ रही है? इसमें जाकर के 18 पेयर है और इसमें सिल्वर ज़्यादा है, ग्रे कम है, तो सिल्वर और ग्रे एक में इसी में डाला हुआ है मैंने, समझा ना? तो फिलहाल इसके अंदर ये है और दूसरे कॉलोनी में वाइट है, जो सिर्फ वाइट ही वाइट है, तो वो समझिए 24 पेयर है, समझा ना? तो वो 24 पेयर वहाँ डाला हुआ है, वो भी अभी देखा देते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा, ये सब ब्रीडर है पेयर, ये इसमें कोई यंग नहीं है। अच्छा ये आपने अपने लिए लगाएं? सब अपने लिए, इसमें जो बेचने के लिए वो मैंने बताया कि ग्रे का जो ब्रीडर पेयर है कुछ मेरे पास, तो वो मैं बेच दूँगा जो 12-13 पीस है, समझा? वो ब्रीडर है, वो भी ब्रीडर है, तो इस तरह से, लेकिन वो ग्रे में है। तो ये तो अपने लिए रखा हुआ है, वाइट अपने लिए रखा हुआ है, इसको ये इस तरह से ये कर रहे हैं, तो इसको तो मुझे बढ़ाना है, तो इसको तो मैं चाह रहा हूँ कि 200 पेयर तक बना लूँ, तो फिर जा कर के ये इसका क्या क्या। अब मेन वर्क मेरे समझ में जो आ रहा है वो यही है कि नंबर 1 पे जावा और जावा की वैरायटी और भी चीज़ डालूँगा मैं। अच्छा जावा को सॉफ्ट फूड में क्या चला रहे हैं? दाने जो है वो भी मैं अपने तौर पर बनाता हूँ, चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ होम्योपैथिक का, और मैं तो 50 साल से लोगों का फ्री में इलाज करता हूँ टेलीफोन पे, कॉल पे, हाँ मैं खिदमत ख़ल के सिलसिले में। तो इस कंडीशन में मेरा ये शुरू से रहा हाल, तो ये समझिए कि 1 साल तकरीबन तो इसको तो हो गया है ना, 1 साल से ज़्यादा। पिछले अप्रैल में मैंने परचेज़ किया था और समझिए कि ये चीज़ें अच्छी खासी ब्रीड आई है मेरे पास, और अल्लाह का शुक्र है
चल रहा है सारा चीज़। अच्छा सॉफ्ट फूड में क्या क्या? सॉफ्ट फूड में मैं ये कर रहा हूँ कि दाना भी मैं अपने हिसाब से करता हूँ, गंदुम, मकई और चावल और जाकर के काला चना। काला चना अभी नहीं दे रहे हैं, अब जो अंडे बच्चे शुरू हो जाएंगे तो काला चना देता हूँ। यही सबको सॉफ्ट फूड में देता हूँ, जितने बर्ड्स हैं सभी को ये शुरू से मेरा ये फार्मूला है। और दूसरा जा कर के वो बाजरा और कंगनी और भंग और जा कर के जई, इस टाइप के आइटम मिला करके ये दूसरा आइटम होता है। अच्छा यानी फर्स्ट टाइम ब्रीड आएगी अभी आपके पास जावा की? जावा की फर्स्ट ब्रीड तो आ चुकी ना, अब ये सेकंड आएगी ना, अब ये सेकंड में आएगी। तो इस तरह से ये जावा को भी यही फीड चलती है, यही लबन में भी चलती है, यही कॉकटेल में भी चलती है, सब में ये चलती है। क्योंकि देखो ना, गंदुम फुल प्रोटीन है, मकई फुल प्रोटीन है, समझना, चावल फुल एनर्जी है, समझना, हमें तो सब चीज़ का पता है ना। और काला चना जो है मल्टी विटामिन है, ताकत के लिए हॉर्स पावर कहलाता है, समझना। तो हम लोग भी खाते तो हम लोग भी हॉर्स बन जाते हैं। तो मतलब ये है पोजीशन। तो हमने हर चीज़, चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं हर चीज़ को जानता भी हूँ। और गर्मियों में मैं सब्ज़ी बहुत इस्तेमाल करता हूँ, सब्ज़ी में समझिए लौकी है, ख़ास तौर पर लौकी है, बंद गोभी है, खीरा है, इस टाइप के आइटम पूरा आता है फर्स्ट। और इतना ये खाते हैं ज़बरदस्त तरीके से कि आप, तुम देखो मेरे पास कभी भी वो समुद्री झाग नहीं लगा हुआ, किसी में भी तुम्हें नज़र नहीं आया होगा। मैंने नहीं लगाया, पहले शुरू में लगाया था, पहले नहीं, हमने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो कैल्शियम देना है ना, कैल्शियम। अंडा जो हमारे यहाँ रोज़ाना कम से कम 15-20 अंडे रोज़ाना हमारे बॉयल होते हैं, और अंडे तो उसका छिलका मैं ये करके फीड में मिला देता हूँ, वो कैल्शियम फुल कैल्शियम हो जाता है। ज़बरदस्त भाई, चेक करें, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है। और सॉफ्ट फूड के हवाले से ही बता दिया, आप कुछ लबर्ड्स बाहर के सेल के हैं तो उसका भी हम बता देते हैं आपको। सर ये कौन सा पेयर देख रहे हैं? ये देखिए अल्बिनो ब्लैक आइज के दोनों पेयर हैं, और ये अपने ही घर के बच्चे थे जो बड़े होकर पिछले साल से ब्रीड कर रहे हैं, समझना। और अच्छा रिस्पॉन्स है, 3-4 बच्चे तक तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास से पाल लेते हैं ये। अब इसके बाद इसके अंदर अगर आइएगा तो ये रेडाइज में है, ये दोनों रेडाइज है, इनको भी रेडाइज भी काफ़ी हमारे पास जो रेडाइज के पेयर लगे हुए हैं, रेडाइज ब्लैक आइज के भी पेयर लगे हुए हैं अल्बिनो में, और ब्लैक आइज के भी पेयर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारे पेयर हैं, तो ये काफ़ी पेयर हमारे पास इस टाइप के हैं। और इसी से जो निकल रहे हैं वो लोग कहते हैं ना कि जा कर के ये, तो हम तो लोगों को यही बताते हैं कि भाई आइए पहले देखिए कि हमारे पास पेयरिंग क्या हुई हुई है, और जब अंडे बच्चे होते हैं सब देख लीजिए आप कि क्या क्या बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। वो नहीं कि मार्केट में गए, मार्केट में बोला भाई ये तो इनो है, तो बस इनो बोल दिया खाली, तो हमारा इनो नहीं, पहले आके देखो कि है क्या पेयर और कितने बच्चे हैं सारी चीज़। तो इस तरह से हम वर्क करते रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई से काम करता हूँ, झूठ ऊटे बिल्कुल नहीं। मैं कुछ ही बिज़नेस के अंदर अब तो पूरा कभी एक मिनट के लिए सर्विस नहीं की है, हमारे जितने भी बिज़नेस है, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, जाके गाड़ियों का, हर चीज़ का बिज़नेस मैंने किया है और बड़े पैमाने पर किया है। तो ये सारी, ये तो शौक़ था हमारा, शौक़ के साथ ही आया, अब ये समझो कि साइड बिज़नेस भी एक तरह का हो गया। तो ये सारी चीज़ें, सर हम कौन से पेयर देख रहे हैं? ये देखिए ऑफलाइन के अंदर ब्लू ऑफलाइन में भी आ रहा है, और जाकर के ये तो वाइट में आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को, आप वाइट हेड देखिए इनका बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से इसके अंदर हमारे पास फिशरी भी बहुत है, तो अभी देख लीजिएगा कि फिशरी भी है, सारे हर तरह का फिशरी भी मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है ये, और ये हमारे घर के है, ये पिछले साल जो हुआ था, तो ये हमारे यहाँ का ब्रीड है, और ये अब यंग हो गए हैं, ये पेयरिंग बना दिया है पेयर, अभी साल इनसे ब्रीड ले रहे हैं। यानी अब आपने दो दो पेयर करके लगा दिए? हाँ, इस बार जो है जगह की थोड़ी सी केज हमारे पास थोड़ा कम थे, तो इसलिए बहुत सारे पेयर मैंने दो दो पेयर करके लगा लिया। लेकिन इसको मैंने पहले पिछले साल इस पे वर्क किया था, और इसका रिज़ल्ट मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, दो पेयर तक चल जाता है, ऐसी कोई नहीं होती है, तो ये मैंने किया है। जी सर, यहाँ भी हम अल्बाइनो देख रहे हैं, चारों तरफ अल्बाइनो लगाए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी ये वही जगह की कमी की वजह ये दो दो पेयर मैंने यहाँ पे कर दिया है। अभी इसमें कुछ अडल्ट पेयर हैं जो अभी नए हैं, और कुछ ब्रीडर पेयर हैं जो पिछले साल भी वर्क कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी मैंने वही डाला हुआ है, वाइट ही ज़्यादातर हम इसी पर वर्क ही मेन कर रहे हैं, वरना लोटिनो पसनाटा के अंदर रेडाइज में कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ ऑफलाइन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइप से इसी में पैल फेलो वगैरह भी कुछ निकला हुआ है, तो वो भी चीज़ें हैं। तो अब जैसे सेल के अंदर भी, अब ये भी देखिए कि सेल वगैरह के अंदर
ये सब समझो, ये भी नीचे भी सेल के लिए, ये भी सेल के लिए, ये भी सेल के लिए है। तो ये सब, और ये सब अडल्ट में है और ब्रीडर है, रेडी टू ब्रीड है, रेडी टू ब्रीड है। क्या कि अब जगह इतनी नहीं थी कि पेयर पेयर बना के रखूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे रख दिया था। तो इस तरह से सारी चीज़ों को करके रखा। सही है भाई, माशाल्लाह से आपको लब्बर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आपको बॉन्डेड पेयर अब हम दिखाएंगे, जो कि रेडी टू ब्रीड है और बॉन्ड भी हुए हुए हैं, रेडी टू ब्रीड के साथ बॉन्ड भी हुए हुए हैं। जी सर बताएं इनके बारे में। हाँ, ये पेयर भी समझिए कि अभी ये अगस्त के महीने से मैंने हांडी लगाई है और ये पेयरिंग बना दी है, और कुछ तो अंडे दे भी दिए हैं। तो इस तरह से ये पोजीशन है कि ये सारा चल रहा है। अब कोई अगर चाहेगा कि इसमें के पेयर बने हुए भी जा कर के ब्रीडर पेयर के अंदर भी, और इस वक्त के जो अडल्ट के जो है बॉन्ड पेयर, तो वो उसमें से भी लेना चाहेगा तो मैं दे दूँगा, समझा ना। अभी यहाँ मुझे जावा भी नज़र आ रहा है, इनके बारे में कुछ बता दें। जावा ये जा कर के समझिए कि ये ब्रीडर ही है, पहले तो ये सब मिक्स थे, तो ये मैंने अभी अलग कर दिया है, तो ये सारे ब्रीडर ही पेयर हैं। लेकिन अब इसमें से नर कम है, मादी ज़्यादा है, तो ये 12 पीस 13 पीस यहाँ पे है रखे हुए, ये सेल के लिए हमारे पास है। तो ये अगर कोई चाहेगा तो ये भी सेल कर दूंगा, लेकिन बाकी अभी जावा जो है, जो मेरे पास जो कॉलोनी में मैंने डाला हुआ है, वो अभी सेल नहीं करूँगा, इसलिए मुझे तो खुद अभी बढ़ा करके इसको 200-250 पेयर करने हैं। ओके व्यूअर्स, आपको अंदर की जो है पोजिशन दिखा दी है, बर्ड दिखा दी, जावा वगैरह। तो अब यहाँ बाहर कुछ जो है लब्बर्स लगे हैं कॉकटेल, और ये भी यहाँ कुछ बर्ड्स फोर सेल हैं, तो आइए आपको ये भी दिखा देते हैं। सर यहाँ हमें कुछ लब्बर्स नज़र आ रहे हैं, तो इनके बारे में बताएं कौन से हैं, कितने पीस हैं इसमें। समझिए 20 पीस है, और ये सब ब्रीडर हैं, समझा ना, इसमें अडल्ट कोई नहीं है, सब ब्रीडर पेयर हैं ये सारे। तो और इसमें मुख्तलिफ है, ऑलिव भी है, ब्लू पसनाटा के भी मुख्तलिफ कलर हैं, फिशर भी है, और ब्लैक मास भी है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास ज़्यादातर स्प्लिट है, समझा ना। सही है व्यूअर्स, माशाल्लाह आपको लब्बर दिखाएं और उसमें अल्बाइनो। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये चिक्स कहाँ से आ गए भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ ब्रीड हो रही है इन बर्ड्स की, जिसके वो चिक्स निकल रहे हैं, वो रेडी टू ब्रीड हो गए हैं। असल चक्कर ये था कि पिछले साल मैंने यहाँ कुछ बर्ड्स रखे हुए थे, जो पेयर था सिंगल सिंगल पेयर रखा हुआ था, तो ये मैं पोस्टिंग करता था वहाँ से, वाइट का जो अल्बिनो का सारे है, तो यहाँ अंडे पोस्ट कर देता था या बच्चे, तो यहाँ से मैं पालते था काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसलिए वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता। अच्छा सर, कॉकटेल के बारे में बताएं कौन से लगाए हैं, ये भी फोर सेल है। हाँ, कॉकटेल भी बेचूँगा, इसमें कॉकटेल दो तीन तरह का, एक तो क्रीम है, दूसरा क्रीम के साथ पेयर इनो का भी लगा हुआ है, और दूसरा जाकर के यहाँ पे मेरे पास फैलो भी है, तो फैलो भी इधर नज़र आएगा, फैलो भी। ये तो सब के ये सब ब्रीडर पेयर है, सब अंडे बच्चे दिए हुए हैं, ये नए हैं, इन्होंने ब्रीड अभी नहीं की है, ये पट्टे थे, कुछ परवर ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया था, अब इनको पालक दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला 15 दिन में फर्स्ट क्लास परवर निकल आएगा। ये सारे ब्रीडर हैं, ये फैलो वगैरह देख रहे हो कि फैलो का भी है उसमें, और ये भी देखो कम्प्लीट फैलो है, समझ ना, नीचे भी फैलो और उसके साथ इनों के साथ ये सारे लगे हुए हैं इस तरह से। और कुछ हम समझते हैं कि वो केज भी है, कुछ हांडियाँ भी हैं, तो वो भी सेल के लिए है, क्योंकि कॉकटेल मैं सब ख़त्म कर रहा हूँ, तो वो हांडियाँ भी भेजा, काफ़ी बेच भी दिए, वो काफ़ी अभी भी है, तो इस तरह से। क्योंकि अब तो मैं बुनियादी तौर पे तो समझिए कि जावा और लव्वर पे मेन वर्क हमारा ये है, लेकिन जावा पे सबसे ज़्यादा वर्क होगा, तो ये चीज़ें। जी सर, यहाँ कुछ मटकियाँ रखी हुई हैं, तो क्या बर्ड्स के साथ मटके भी सेल करेंगे? मटकी जो है मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20-25 तो रह गई है, बाकी तो सब मैंने बेच दिए हैं, क्या कि मेरे पास तो अच्छे खासे कॉकटेल भी थे, तो कॉकटेल भी मैंने काफ़ी बेचे हैं। तो ये मटकी कॉकटेल की है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, A1 है, ये भी बेच रहा हूँ। पिंजरे भी थोड़ा सा सेल में है, तो ये पिंजरे, जैसे ये पिंजरे हैं, ये पिंजरे समझिए कि 2-1.5-2 का है, समझना, ये मास्टर वालों का है, 5-स्टार वालों का, तो उनका है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ इसमें ट्रे की ख़राबी हुई है, बाकी सब सही है तकरीबन। और ये इनका है आपके वो शहीद भाई का, ये एंगल के साथ है, तो ये भी इसमें भी मेन ट्रे की ख़राबी है, ये सब सही है, समझना, सिर्फ कलर होना है और बाकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ ट्रे चेंज होगा बस, ये सारी चीज़। तो ये भी सेल होना है, ये भी सेल होना है, ये तीन पिंजरे हैं इस तरह के जो सेल के लिए ये हैं, और ये दो पिंजरे हैं, तो ये भी सेल है। सही है भाई, आपको माशाल्लाह दिखा दिए कि बर्ड्स भी, केज भी और मटकियाँ भी। आप लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन ले लेते हैं, किसी भाई को परचेस करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। सही है सर, माशाल्लाह से आपने लव बर्ड दिखा दिए, मटकियाँ, केज, जावा,
एक चीज़ जो आपने बर्ड्स की दिखा दी अपने सेटअप पे जो लगी हुई थी, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन दे दी ताकि लोग परचेस कर लें। देखिए मेरा नाम एक तो मोहम्मद शमीमुद्दीन है, दूसरा गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 14 के अंदर हमारी रिहाइश है और ऊपर छत पे ये सारा चीज़ हमने सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, और 8 साल हमें हो गया इस लाइन के अंदर। और ये टेलीफोन नंबर मेरा जो है वो 0345224150 यानी फिर रिपीट कर देता हूँ 0345224150 और नाम शमीम बता ही दिया, तो इस तरह से ये पोजीशन हमारी है। ओके व्यूअर्स, आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आएगी। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, लोकेशन बता दिए, बर्ड दिखा दिए। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।